हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पावर जनरेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यूनिट टू स्टार्ट किए थे और यूनिट टू में हम लोग थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था लिस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट इन अ स्टेट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार में कौन कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, कहां लोकेटेड है, उसका क्या कैपेसिटी और उसका ऑपरेटर कौन कौन सा था। आज के सेशन में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। कि अगर हमको थर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश करना है तो किस जगह पर हम उसको एस्टैब्लिश करेंगे, कैसे हम लोग उस जगह का चयन करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। क्लियर हो रहा है? मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है और आप चाह रहे हैं कि नहीं हम थर्मल पावर प्लांट का सेटअप करें, तो ऐसा थोड़ी कि आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। या मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और आपको मन है कि नहीं एक रेस्टोरेंट खोले, तो आप कहां पर रेस्टोरेंट खोलेंगे? अपने गांव में खोल लेंगे तो नहीं चलेगा, आपको वहां खोलना है जहां पर पॉपुलेशन एरिया है, जहां पर कस्टमर ज्यादा आ सकते हैं, मार्केट से नजदीक होना चाहिए, रोड से कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, पार्किंग एरिया होना चाहिए। तो ये सब सोच के आप पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह अगर भारत सरकार मान लीजिए पावर प्लांट का सेटअप करना चाह रही है, तो वो सबसे पहले इंजीनियर से पूछेगा कि हम किस लोकेशन में उस पावर प्लांट का सेटअप करें। तो बहुत सारे क्रिटेरिया है जिसके आधार पर हम लोग जो है वह थर्मल पावर प्लांट का जो है साइट का सिलेक्शन करते हैं, उस जगह का सिलेक्शन करते हैं। उसमें नंबर वन है स्पेस रिक्वायरमेंट, जिसको हम लोग कहेंगे नेचर ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। हमको स्पेस रिक्वायरमेंट कितना है। थर्मल पावर प्लांट तो आपका जो है एक एकड़ दो एकड़ में तो बनेगा नहीं, हजारों एकड़ चाहिए, लगभग 5 से 10 किलोमीटर का एरिया आपको चाहिए। तो सोचिए उतने बड़े एरिया का आपको रिक्वायरमेंट है और वो भी एक जगह होना चाहिए। तो स्पेस रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा उसी में जो है नेचर ऑफ लैंड, आपको उसका नेचर भी देखना होगा उस जमीन का। ऐसा तो नहीं है कि उस पर जब लोड लगेगा तो वो लोड लगने के कारण उसमें बेयरिंग कैपेसिटी नहीं, थामने का क्षमता ही नहीं। फिर कॉस्ट भी देख लेना, क्योंकि वो सारा जो जमीन आप सिलेक्ट कर रहे हो वो जरूरी नहीं है कि वो सरकार का जमीन हो सकता आम आदमी का जमीन हो, तो उससे खरीदना भी है। तो रेट भी देख लेना है कि कहीं ऐसा नहीं कि लाखों रुपया में एक कट्ठा बिक रहा है, तो पता चलेगा कि जो कैपिटल है, जो पैसा, वो जमीन ही खरीदने में सब चला गया, तो फिर प्लांट का सेटअप करना तो वो टफ काम हो जाएगा। तो क्या करना है, वैसे जगह में सिलेक्शन करना है जिसमें बेयरिंग कैपेसिटी हो पहला, उस लैंड का, उस जमीन का कॉस्ट भी क्या हो, कम हो, और एक ही एरिया में काफी मात्रा में जो जमीन मिल जाए, इसी को क्या कहते हैं स्पेस रिक्वायरमेंट। हम लोग सबको डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो पहला क्लियर हो गया स्पेस रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या है, सप्लाई ऑफ फ्यूल। थर्मल पावर प्लांट का सेटअप आप वहां करेंगे जहां से फ्यूल जो है आपको आसानी से मिल जाए। क्लियर है? मान लीजिए हमको कोयला जलाना है, तो हम लोग थर्मल पावर प्लांट का सेटअप उस जगह पर करेंगे जो कोल माइन से नजदीक हो। तो आप बोलोगे कि सर झारखंड में ही कर देते हैं क्योंकि झारखंड में तो सबसे ज्यादा कोयला है। तो झारखंड में मान लीजिए हम कर देते हैं और उस बिजली को हमको बिहार भेजना है, उड़ीसा भेजना है या दूसरे स्टेट भेजना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि लोड सेंटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, जहां बिजली भेजना है वहां से दूर उसका नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर हमको बिहार में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम बिहार में ही पावर प्लांट का सेटअप करेंगे ना, क्योंकि झारखंड में अगर कर रहे हैं तो कोयला तो हमको नजदीक से मिल जा रहा है, पर पता चल रहा है उसके ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में ही पैसा खर्च हो जा रहा है, तो ये भी ध्यान देना है। तो दूसरा क्या है, सप्लाई ऑफ फ्यूल, देखना है कि हमको कोयला नजदीक कहां से मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब बिहार में ही बहुत सारा क्षेत्र है, तो देखना है कि जो झारखंड है उससे नजदीकी कौन सा एरिया में हम लोग सेटअप कर सकते हैं। क्लियर? मान लीजिए झारखंड से बहुत सारा जो है आपका शहर है नजदीक में है, पर हो सकता है वहां पर वाटर जो है प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता, आप वहां नहीं कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान देना। तो तीसरा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर वहां है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि थर्मल पावर प्लांट में जो है वह कंटिन्यूअस वाटर के मदद से स्टीम बनाया जाता है और फिर उस स्टीम को ठंडा करने के लिए हमको फिर पानी भी चाहिए, तो अच्छा खासा आपको जो है वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। तो थर्मल पावर प्लांट का सेटअप कहां कर रहे हैं, जहां पर वाटर इजिली अवेलेबल है। तो पहला क्या हो गया स्पेस रिक्वायरमेंट, जगह आप कितना ले रहे हैं। दूसरा क्या है, देख लेना है कि सप्लाई ऑफ फ्यूल कैसा है,
बहुत दूर तो नहीं, अगर ज्यादा दूर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्लियर है। तीसरा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर अवेलेबल है कि नहीं। चौथा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये चेक कर लेना कि थर्मल पावर प्लांट जहां भी हम सेटअप करना चाह रहे हैं वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छा हो, मतलब रेलवे के साथ कनेक्टिविटी अच्छा हो, रोड के साथ कनेक्टिविटी अच्छा हो, क्योंकि बहुत सारा मशीनरी पार्ट्स कंस्ट्रक्शन के लिए आपको वहां लाना पड़ेगा, तो अगर कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अब जब थर्मल पावर प्लांट बनाएंगे तो वहां काफी मात्रा में जो है वर्कर चाहिए आपको, लेबर चाहिए, क्योंकि इनिशियली जब थर्मल पावर प्लांट बनाया जाता है तो काफी मजदूर का जरूरत पड़ता है, तो वैसे एरिया में आपको थर्मल पावर प्लांट बैठाना है जहां पर हमको मजदूर जो है आसानी से मिल जाए, चीप रेट में मिल जाए, तो वो भी एक क्रिटेरिया के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे एस डिस्पोजल फैसिलिटीज, हमको थर्मल पावर प्लांट उस जगह पर बनाना है जहां पर हम, चूंकि कोयला जब जलेगा तो उससे काफी मात्रा में एस निकलता है, राख निकलता है, उसको डिस्पोजल, उसको कहीं ना कहीं जो है ठिकाना लगाना है, तो वो भी हमको इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाके किसी की जमीन में भी फेंक दे रहे हैं, तो एस डिस्पोजल का भी फैसिलिटीज होना चाहिए, हो सकता है जो एस निकल रहा है उसको सीमेंट इंडस्ट्रीज वाले को दे दिए, सीमेंट बनाने में यूज करेंगे, या कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बनाया जा रहा है तो रोड का जो है बेस बनाने में यूज हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अवे फ्रॉम पॉपुलेशन एरिया, याद रखना है कि थर्मल पावर प्लांट जो है पूरा पॉपुलेशन एरिया के बीच में नहीं बनाना है, शहर से काफी दूर बनाना है, जो पॉपुलेशन एरिया है उससे काफी दूर होना चाहिए, लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दूरी पर होना चाहिए, क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, नियर टू द लोड सेंटर, लोड सेंटर से नजदीक होना चाहिए, लोड सेंटर का मतलब है कि मान लीजिए पावर प्लांट यहां पर है बिहार में है और हमको बिजली भेजना है आंध्र प्रदेश में, तो पता चलेगा कि बिजली भेजने में ही आधा बिजली का लॉसेस हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में ही, और ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने में अरबों खरबों रुपया का जरूरत पड़ रहा है, तो इससे बेटर है कि आप आंध्र प्रदेश में ही थर्मल पावर प्लांट सेटअप कर दो, बिहार में करने का कोई जरूरत नहीं। तो ये याद रखना है कि थर्मल पावर प्लांट का सेटअप वहां करना है जो लोड सेंटर से नजदीक हो, क्लियर है। और नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेंशन, देखिए कोई भी थर्मल पावर प्लांट बैठाया जाता है तो उसका एक फिक्स कैपेसिटी बनाया जाता है, मान लीजिए एनटीपीसी बाढ़ को बनाया गया तो एनटीपीसी बाढ़ अब जो है 3300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, पर जब पहला यूनिट बनाया गया उसका जो इनिशियल जब वो सेटअप किया गया तो उसका एक ही यूनिट काम कर रहा था, 660 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, फिर देखा कि नहीं सब कुछ उसका अच्छा चल रहा है, मतलब बिजली बनाने का जो रेट है, ट्रांसमिशन करने का जो प्रोसेस है, वो सब कुछ सही होने लगा, तो फिर क्या हो, पहले से सोच के गया था अगर सब कुछ अच्छा चलेगा तो इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, तो उसका फिर और भी बहुत सारा यूनिट बनने लगा, तो फ्यूचर एक्सपेंशन भी देख लेना कि हमको विस्तार भी तो करना है, अगर मान लीजिए सब कुछ अच्छा रहा, रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपको बिजली ज्यादा पैदा करना हो, तो फ्यूचर एक्सपेंशन को देख के भी आपको साइट सिलेक्शन करना है। चलिए तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, अब हम लोग क्या करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। चलिए चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस रिक्वायरमेंट का कहने का मतलब होता है कि थर्मल पावर प्लांट को बनाने के लिए हमको जमीन का जरूरत पड़ता है और काफी मात्रा में हमको जमीन का जो है रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्पेस रिक्वायरमेंट कहते हैं। आपको पता है कि थर्मल पावर प्लांट में बहुत एरिया जो है वह कोल को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जिसको हम लोग कोल यार्ड कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बहुत सारा मशीनरी पार्ट लगा रहता है जिसमें बॉयलर है, टर्बाइन है, ये सारा चीज लगा रहता है, इसके लिए भी एरिया चाहिए। फिर आपको जो स्टीम है उसको ठंडा करना है तो उसके लिए कूलिंग टावर, कंडेंसर, ये सब का जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए भी एरिया चाहिए। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी बनेगा तो एक पावर स्टेशन होना चाहिए जहां से ट्रांसमिशन होगा, तो पावर स्टेशन भी होना चाहिए। फिर स्टाफ को रहने के लिए वहां क्वार्टर कॉलोनी होना चाहिए, तो बहुत सारा फैसिलिटीज दिया जाता है उस पावर प्लांट के अंदर, तो एरिया काफी ज्यादा हमको जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द स्पेस रिक्वायर्ड बाय द थर्मल पावर प्लांट इज क्वाइट लार्ज,
3 to 5 एकड़ पर मेगावाट। इसका मतलब है कि 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लगभग हमको 3 से 5 एकड़ जो है जमीन का जरूरत पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि 1 मेगावाट के लिए लगभग स्क्वायर फीट के हिसाब से 200 जो है मीटर स्क्वायर पर मेगावाट के लिए हमको स्पेस चाहिए। कह रहा है कि फॉर प्लांट क्यों चाहिए, तो फॉर प्लांट इक्विपमेंट, प्लांट में जो भी मशीन लगा है, कोल्ड स्टोरेज, एस डिस्पोजल, स्टाफ, कॉलोनी, ईटीसी। सो द लैंड अवेलेबल फॉर द पावर प्लांट मस्ट बी एट लो कॉस्ट सो इट रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। क्या कह रहा है कि जो आप जमीन लेने वाले हैं उसका कॉस्ट काफी कम होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि काफी मात्रा में जो है लैंड को एक्वायर किया जाता है, तो अगर उस लैंड का उस जमीन का जो रेट ज्यादा होगा तो पता चलेगा कि सारा जो कैपिटल है, जो आपका इनिशियल है, मनी है, वो सारा का सारा जो है जमीन खरीदने में ही आपका चला जा रहा है। क्या कह रहा है कि लैंड हैव हाई बियरिंग कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टू विथस्टैंड इट्स लोड। कह रहा है कि देखिए, जरूरी नहीं कि जमीन आपको सस्ता मिल गया तो आप वहीं पर ले लेंगे, आपको ये भी चेक करना है कि क्या वह जमीन जो है, वो जो सतह है, उसमें जो लोड लग रहा है वो 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के कैपेसिटी को थाम पा रहा है कि नहीं। क्योंकि आपको पता है कि थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारा मशीनरी लगा हुआ रहता है जो काफी बल्की होता है, भारी होता है, और अगर उसको थाम नहीं पाएगा वो जमीन और नीचे धसते जाएगा तो फिर आपका पावर प्लांट अच्छे से काम नहीं कर सकता। इसलिए वहां वैसे जमीन का भी हमको सिलेक्शन करना है जिसमें बियरिंग मतलब थामने का क्षमता हो, किसको, लोड को थामने का क्षमता। तो आई थिंक आपको स्पेस रिक्वायरमेंट समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, सप्लाई ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएंगे सप्लाई ऑफ फ्यूल। क्या कह रहा है, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल इज रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहता है कि थर्मल पावर प्लांट में हमको काफी मात्रा में कोयला का जरूरत पड़ता है। ठीक है, ए रफ एस्टिमेट स्टीम पावर प्लांट ऑफ 400 मेगावाट कैपेसिटी रिक्वायर 5,000 to 6,000 टन ऑफ कोल पर डे। कह रहा है कि एक रफ अनुमान बताया जा रहा है कि कोई भी जो थर्मल पावर प्लांट है या स्टीम पावर प्लांट है, अगर वो 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा एक दिन में, तो लगभग 5,000 से लेके 6,000 टन जो है वह कोयला जलाना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर थर्मल पावर स्टेशन शुड बी लोकेटेड नियर कोल माइन। इसलिए जितना भी पावर प्लांट होता है उसको कोशिश किया जाता है कि कोल माइन से, या हम कह सकते हैं कि कोल फील्ड से नजदीक होना चाहिए, जिसके कारण टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो हमको कोयला 1 kg 2 kg तो मंगाना नहीं, सोचिए 5,000-6,000 टन कोयला डेली यूज हो रहा है अगर 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, तो उतना सारा कोयला का हमको ट्रांसपोर्टेशन भी करना है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि जो भी थर्मल पावर प्लांट आपको सेटअप करना है वह वहां करना है जहां से आपको कोल जो है आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए, मिल जाए। ठीक है, आपको पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा कोल माइन के पास ही प्लांट का सेटअप करेंगे, क्योंकि वहां से फिर लोड सेंटर दूर हो जाएगा, हो सकता है वहां वाटर का सप्लाई अवेलेबल अच्छे से नहीं हो, तो ये सब चीज भी ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट का सेटअप करते हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरा आ जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। थर्मल पावर प्लांट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वह वाटर होता है, क्योंकि वाटर जो है कंटिन्यूसली कन्वर्ट होते जाता है स्टीम में, तो इसलिए हम लोग को क्या है, वैसे जगह थर्मल पावर प्लांट का सेटअप करना जहां पर वाटर इजिली अवेलेबल है और यूज मात्रा में, काफी मात्रा में हो। तो कह रहा है इन थर्मल पावर प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एंड ऑल्सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर कंडेंसिंग द स्टीम इन द कंडेंसर और इन कूलिंग टावर। हेंस पावर प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर द वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक एक्सेट्रा। क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वह जरूरत पड़ता है स्टीम को कन्वर्ट कराने के लिए, साथ ही साथ जो स्टीम है उसको वापस ठंडा करके रिसाइकलिंग करके वापस बॉयलर के अंदर डालना है, तो काफी मात्रा में जो है वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए थर्मल पावर प्लांट का सेटअप वहां करेंगे जहां से
वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज कहने का मतलब होता है कि नदी हो, झील हो, आपका जो कह सकते हैं कि नहर हो, इससे नजदीक हो, जिससे कि आप आसानी से वाटर को ले सकते हैं। याद रखना है, आप ग्राउंड वाटर यूज नहीं करेंगे। ग्राउंड वाटर इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके एनवायरमेंट को नुकसान करेगा। अगर ग्राउंड वाटर यूज करेंगे तो सोचिए कितना लाखों लीटर डेली यूज होगा, और हम जमीन से उसी तरह अगर हजारों लाखों लीटर जो है पानी यूज करते रहेंगे तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे चला जाएगा, जिससे कि फिर जो जनसंख्या जो क्षेत्र है जहां पर पॉपुलेशन रह रहा है उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिल पाएगा। क्लियर हो गया? चौथा जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कैसा होना चाहिए? कह रहा है कि पावर प्लांट शुड बी लोकेटेड वेयर द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल एंड हेवी मशीनरी फॉर इंस्टॉलेशन। कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट का सेटअप आप वहां पर कीजिएगा जहां से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं, अगर आप एनटीपीसी बाढ़ का एग्जाम्पल लेंगे तो आप नोटिस किए होंगे कि एनटीपीसी बाढ़ जो है वह रेलवे स्टेशन से काफी नजदीक है। तो सबसे पहला जो ईंधन आता है वह ट्रेन के थ्रू आ रहा है, गुड्स ट्रेन के थ्रू। तो सोचिए कि आपका रेलवे का कनेक्टिविटी जो है काफी नजदीक है, इसलिए एनटीपीसी को क्या हुआ, रेलवे के लिए लाइन बिछाने का खर्चा कम पड़ा। मान लीजिए आप किसी दूसरे जगह उसका सेटअप कर देते हैं तो उस सेटअप करने के कारण क्या होगा, आपको खुद के पैसा से जो है रेलवे का लाइन बिछाना पड़ेगा। अगर रोड से उसका कनेक्टिविटी नहीं होगा तो फिर रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा। तो इस ये इतना जो अमाउंट आप वेस्ट कीजिएगा ये सब में, उससे बेटर होता है कि आप कोई वैसे लोकेशन का सेलेक्ट कीजिए जो रेलवे से रोड से कनेक्टिविटी उसका अच्छा हो। फिर बताए थे कि एनटीपीसी बाढ़ जो है वह गंगा नदी से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो आप आसानी से गंगा से जो है पाइपलाइन के थ्रू पानी को प्लांट में ला सकते हैं। तो देखिए, वाटर भी अवेलेबल हो गया, दूसरा फैसिलिटीज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी नजदीक है। क्योंकि देखिए, जितना ज्यादा आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा तो वहां पर क्या होगा, चूंकि शुरुआती पीरियड में जब कंस्ट्रक्शन करना रहता है तो रॉ मटेरियल काफी मात्रा में लगता है, फिर बहुत सारा मशीन जो है उसको लाना पड़ता है। अब सोचिए जो बॉयलर ला रहे हैं वो हो सकता है कोई बॉयलर अपने देश का नहीं हो, बाहर विदेश से ला रहे हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना भी तो टफ काम हो जाएगा अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छा नहीं रहेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो आई थिंक आपको फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट में, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। कह रहा है किसी भी थर्मल पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए इनिशियली काफी मात्रा में मजदूर का जरूरत पड़ता है, और हम वैसे जगह में थर्मल पावर प्लांट का सेटअप करना चाहते हैं जहां पर हमको मजदूर जो है इजीली अवेलेबल हो जाए। अब बहुत सारे मजदूर को एक जगह से दूसरे जगह ले नहीं जा सकते, आपको लोकल मजदूर का जरूरत पड़ेगा ही, इसलिए वहां पर थर्मल पावर प्लांट का सेटअप किया जाता है जहां से आप लेबर को आसानी से हायर कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, लार्ज मैन पावर इज नीडेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट, देयरफॉर लेबर शुड बी अवेलेबल नियर द कंस्ट्रक्शन साइट एट चीपर रेट। क्योंकि आप बाहर से अगर लेबर को लेके जा रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट है पर डे के हिसाब से वो काफी महंगा पड़ जाता है, इसलिए हमको वैसे जगह भी सिलेक्शन करना है जहां पर इजिली लेबर जो है अवेलेबल हो जाए और सस्ते दर पर उसको दे दे, क्योंकि वहां 100-200 मजदूर काम नहीं कर रहा है, हजारों मजदूर काम करता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, छठा पॉइंट में, एस डिस्पोजल फैसिलिटीज। ठीक है, आपको पता है कि जब कोयला को जलाते हैं तो कोयला को जलाने के बाद काफी मात्रा में राख प्रोड्यूस होता है जिसको एस कहते हैं, साथ ही साथ चिमनी के थ्रू जो गैसियस पार्टिकल जाता है उसको भी फिल्टर करके उसका भी एस पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो आखिर उतना सारा जो एस है उसको भी तो आपको कहीं ना कहीं डिस्पोजल करना है, तो आप वैसे जगह में थर्मल पावर प्लांट का सेटअप कीजिए जहां से आप आसानी से एस डिस्पोजल कर सके। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हॉट एस कम आउट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स विच इज हैजार्डस, जिसको कहते हैं खतरनाक, टू ह्यूमन एंड प्लांट लाइफ, देयरफॉर ए लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ एस। मतलब थर्मल पावर प्लांट से जो एस निकल रहा है उसको आप किसी के जमीन में नहीं फेंक सकते,
इवन आप किसी एरिया में भी नहीं डाल सकते क्योंकि उसमें काफी मात्रा में हीट मौजूद रहता है। और सोचिए अगर कोई उसके संपर्क में आ जाएगा तो वहां से जो है किसी भी ह्यूमन का या लिविंग लाइफ का जो है लाइफ खतरे में आ सकता है। इसलिए हम लोग थर्मल पावर प्लांट में ही एक बड़ा सा जगह जो है एस डिस्पोजल के लिए भी रखते हैं। क्लियर हो रहा है? नहीं तो फिर उसको अलग अलग साइट पर भेज दिया जाता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज में दे दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट में दे दिया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हम लोग, सातवां, अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। याद रखना है कि जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट बैठा रहे हैं वो थर्मल पावर प्लांट जो है जनसंख्या क्षेत्र से या जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रहा है उससे दूर होना चाहिए। क्यों दूर होना चाहिए? सबसे पहला कह रहा है कि वो थर्मल पावर प्लांट से काफी मात्रा में स्मोक छोड़ा जाता है चिमनी के थ्रू, और फाइनली जो गैसियस पार्टिकल है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो है वह फिर से जमीन में नीचे गिर जाता है। तो अगर पॉपुलेशन एरिया वहां ज्यादा होगा तो एयर का क्वालिटी खराब हो जाएगा, लैंड का फर्टिलिटी खराब हो जाएगा, हेल्थ पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? थर्मल प्लांट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक, जिसको धुआं कहते हैं, गैसेस एस नॉइज एंड हीट डिस्चार्ज फ्रॉम द प्लांट, दिस पॉल्यूट द एटमोस्फियर, हेंस इट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लोड सेंटर, नियर टू द लोड सेंटर। कह रहा है कि पावर प्लांट मस्ट बी लोकेटेड नियर द लोड सेंटर विच रिड्यूस द ट्रांसमिशन लाइन कॉस्ट एंड लॉसेस अकरिंग इन इट। कह रहा है कि जो भी थर्मल पावर प्लांट है उसका सेटअप वहां कीजिए जहां से आप आसानी से जो है इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र से आ रहा होगा ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, तो सोचिए महाराष्ट्र से बिहार तक में आपको पहला इलेक्ट्रिकल टावर खड़ा करना पड़ेगा। तो सोचिए वहां से यहां तक हजारों किलोमीटर है और उसके लिए कितना सारा टावर खड़ा करना पड़ेगा, साथ ही साथ ट्रांसमिशन लाइन बिछाना पड़ेगा, तो उसका जो कॉस्ट है वो अरबों खरबों में चला जाएगा। तो हमको क्या करना है? थर्मल पावर प्लांट का सेटअप वहां कर देना है जहां से लोड सेंटर नजदीक हो। तो अगर हमको बिहार में ही सप्लाई देना है कहीं भी बिहार के किसी भी क्षेत्र में, तो बिहार के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही हम लोग थर्मल पावर प्लांट का सेटअप कर देंगे, जिससे क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन का जो है खर्चा वो कम हो जाएगा और साथ ही साथ एक जगह से दूसरे जगह जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं तो काफी लॉसेस होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। और लास्ट पॉइंट हम लोग आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर एक्सपेंशन। किसी भी थर्मल पावर प्लांट को जब हम लोग बनाते हैं तो ये याद रखना है कि हमेशा जो पहला उसका यूनिट होता है वो कम कैपेसिटी का होता है और धीरे धीरे उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाया जाता है। तो अगर कोई पावर प्लांट मान लीजिए 100 मेगावाट का खुला हुआ है तो वो पहले से ही प्लानिंग करके जाता है कि इन फ्यूचर अगर डिमांड ज्यादा आएगा तो हम इसके प्लांट को जो है बड़ा करेंगे। तो आप जब तक पहले से ही एरिया ज्यादा कवर नहीं किए रहेंगे तो आप फिर प्लांट को बड़ा कैसे कर सकते हैं? तो फ्यूचर को देख के भी प्लांट के एरिया का सिलेक्शन किया जाता है। तो क्या करें, द साइट सेलेक्टेड शुड बी सच दैट इट अलाउ इकोनॉमिक एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट With the estimated growth of load, इसका मतलब फ्यूचर में अगर आपको किसी यूनिट को बढ़ाना होगा तो उसके लिए भी क्या करेंगे, आप पहले से जमीन जो है वह लेके प्लांट के अंदर रखिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारा पॉइंट क्लियर अच्छे से हो चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।